हाँ तो दोस्तों नमस्कार, दोस्तों बोल बरेली में आपका स्वागत है। दोस्तों बोल बरेली में बहुत सारे टीवी सीरियल्स के बारे में दूरदर्शन के बताया जाता है। आज हम ऐसे एक टीवी सीरियल की बात करेंगे जिसका नाम है देवी जी। जी हाँ, देवी जी टीवी सीरियल दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किया था। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बताएँ लोगों को कि इस चैनल पर बहुत सारे दूरदर्शन के टीवी सीरियल्स के बारे में बताया जाता है। तो आज हम बात करते हैं दूरदर्शन के टीवी सीरियल देवी जी। देवी जी टीवी सीरियल दूरदर्शन ने 1989 1989 में टेलीकास्ट किया था और लगभग 20 मिनट या 25 मिनट का टीवी सीरियल आता था और वेडनेसडे को दोपहर में 2 बजे इसे टेलीकास्ट किया जाता था 1989 में। इसकी स्टार कास्ट जो थी अन्नू कपूर और स्वरूप संपत थी। स्वरूप संपत जिन्हें आप परेश रावल की वाइफ के रूप में जानते हैं और 1979 में मिस इंडिया भी बनी थी। उसके बाद मिस यूनिवर्स के लिए इन्होंने अप्लाई करा था लेकिन मिस यूनिवर्स ये बन नहीं पाई थी। स्वरूप संपत इसके अलावा और बहुत सारे नाटकों में आ चुकी हैं, ये जो है जिंदगी और फिल्म नरम गरम और नाखुदा में भी इन्होंने काम किया है। देवी जी टीवी सीरियल की कहानी जो थी, आशा देवी जो कि बंगला राइटर थी जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, उनके नॉवेल पर आधारित थी देवी जी की। और इसमें अन्नू कपूर और स्वरूप संपत ने एक मैरिड कपल लाइफ का रोल प्ले करा था। तो इस टीवी सीरियल में यही दिखाया गया था कि किस तरीके से जीवन के खट्टे मीठे अनुभव पति पत्नी की लाइफ में आते रहते हैं, एक ट्यूनिंग कैसे बनती है, किस तरीके से हंसी मजाक होती है, किस तरीके से परेशानियां आती हैं, झगड़ा होता है दोनों का, फिर दोनों का पैचअप हो जाता है। यही अन्नू कपूर और स्वरूप संपत के टीवी सीरियल में दिखाया गया था। स्वरूप संपत का ये पहला टीवी सीरियल था जो कि दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ था। इसके साथ ही साथ ये जो है जिंदगी भी टेलीकास्ट हुआ और अन्नू कपूर इससे पहले बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम कर ही चुके हैं। खरी खरी भी था चाहे वो, और इससे पहले फटीचर में भी उन्होंने रोल करा था और कहानियां दर्पण में भी उन्होंने कुछ रोल करा था और उसके बाद देवी जी टीवी सीरियल में भी आए। तो पति पत्नी के संबंधों पर कॉमेडी ट्यून के साथ किस तरीके से नोकझोंक होती है छोटी मोटी और कैसे उसे सॉल्व करा जाता है ज़िंदगी में, उनकी परेशानियां कैसे सॉल्व करी जाती हैं, यही इस टीवी सीरियल के बारे में मैंने लोगों से पता करा। तो यही इस टीवी सीरियल के बारे में पता चल पाया कि देवी जी टीवी सीरियल 1989 में टेलीकास्ट हुआ, बुधवार को दोपहर में 2 बजे आता था और अन्नू कपूर और स्वरूप संपत इसमें मैरिड कपल लाइफ का रोल प्ले करते थे। इसकी कहानी जो थी आशा देवी पूर्णा जो बंगला राइटर हैं उनकी कहानी पे उनके नॉवल पे आधारित थी दोस्तों जो थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि देवी जी टीवी सीरियल के बारे में लोग पूछते रहते हैं लेकिन दोपहर के टाइम पे आता था और ज़्यादा दिन चला भी नहीं, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ पता है नहीं। तो थोड़ी सी ही जानकारी मिली जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली मिस यूनिवर्स का किसी टीवी मिस यूनिवर्स के लिए अप्लाई किया था। मिस इंडिया का किसी टीवी सीरियल में काम करना आसान नहीं होता था मगर स्वरूप संपत ने इसमें काम करा जो कि बाद में परेश रावल की वाइफ भी बनी। दोस्तों मैं दूरदर्शन के बहुत सारे टीवी सीरियल्स की छोटी छोटी बातें छोटी सी बातें बताता हूँ, छोटी मोटी बातें बताता हूँ। आगे भी मैं ऐसे दूरदर्शन के बहुत सारे टीवी सीरियल्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ बोल बरेली में। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।